नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और ऐसे में अब सभी की चिंताएं जो हैं वो बढ़ने लगी हैं। पूरे देश में लगभग 11 करोड़ से अधिक लोगों ने अब तक कोरोना की वैक्सीन ले ली है, लेकिन पूर्ण सुरक्षा के लिए टीकाकरण के बाद भी आपको मास्क लगाना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। ये तमाम चीज़ें जो हैं कई जगह पर आप देखते होंगे होर्डिंग्स के माध्यम से आपको बताई जा रही हैं। सरकार भी आपसे अनुरोध कर रही है कि आप मास्क जरूर लगाएं। ऐसे बिगड़ते हुए हालात में कोरोना की दूसरी लहर ने एक तरफ जहां सबको परेशान कर दिया है, वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से ट्वीट करके यह अपील कर रहे हैं कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को कृपया करके उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त किया जाए। जो उनकी ड्यूटी लगी है बंगाल इलेक्शन में उसको लेकर क्या कुछ लिखते हैं नेता प्रतिपक्ष, जरा सुनिए। तेजस्वी यादव अपने ट्विटर पर लिखते हैं, आप तस्वीरें देख रहे होंगे, हमरे रिक्वेस्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड जेपी नड्डा जी टू स्पेयर बिहार हेल्थ मिनिस्टर फ्रॉम बीजेपी बंगाल इलेक्शन ड्यूटी। इसका हिंदी अनुवाद हम आपको बताते हैं। उन्होंने साफ साफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से यह अपील की है कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को कृपया करके मुक्त किया जाए, उनकी जो ड्यूटी लगी हुई है बंगाल इलेक्शन में। इससे इसके आगे वो लिखते हैं, हिज टोकनिज्म एज बिहार हेल्थ मिनिस्टर हैज ऑलरेडी कॉस्ट मेनी प्रीसियस लाइफ सिंस लास्ट ईयर, नथिंग हैज बीन डन टू रैंप अप द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ हॉस्पिटल्स इन बिहार। इसका मतलब साफ साफ वो बताना चाह रहे हैं कि पिछले एक सालों में अस्पतालों की संख्या ना तो बढ़ी है ना कि बेड्स की संख्या बढ़ी है और काफ़ी जाने जा चुकी हैं इस कोरोना के संक्रमण के चपेट में आने के बाद। हालांकि तस्वीरें आपको दिखा भी रहे होंगे, पिछले दिनों कुछ दिन पहले की तस्वीर है जब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पटना के NMCH पहुंचे थे दौरा करने के लिए, और ये तस्वीरें उस वक्त की ही हैं। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा से ये आग्रह कर रहे हैं कि बीच बीच में जो मंगल पांडे जो कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो बंगाल जा रहे हैं, बंगाल इलेक्शन में जा रहे हैं, उन्हें उनकी छुट्टी से उनकी ड्यूटी से मुक्त करें बीजेपी के नेता। तो आपने ट्विटर के माध्यम से देखा है तेजस्वी यादव क्या कुछ लिख रहे हैं, हमने उसका हिंदी अनुवाद भी आपको समझाया है। हालांकि जिस तरीके से जानकारी मिल रही है फिलहाल बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पटना में ही हैं जैसे कि जानकारी मिल रही है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं क्योंकि कई बार वह पश्चिम बंगाल का दौरा कर चुके हैं, लेकिन क्या आप सही में ज़रूरत है बिहार पर फोकस करने की? क्योंकि अगर हम अन्य राज्यों को देखें तो अन्य राज्यों में संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है वो काफ़ी धड़ल्ले से बढ़ रहा है। उसके अगर हम अंतर देखें उसके अगर हिसाब से हम देखें तो बिहार में काफ़ी ही कम संक्रमित मरीज़ फिलहाल हैं, लेकिन ये आंकड़ा और ना बढ़ने पाए इसके लिए हमें सचेत रहना होगा, सतर्क रहना होगा, मास्क लगाना होगा, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होगा, सतर्क रहना होगा। और अगर आपकी उम्र 45 साल से ऊपर की है तो आप टीका ज़रूर लें। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपील तो की है, देखते हैं अब इसका जवाब मंगल पांडे क्या देते हैं जो फिलहाल इस वक्त पटना में ही हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।